हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन के अंदर सम ऑफ ऑल नंबर का लॉजिक क्या है, उसे हम कैसे पाइथन में करें। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। यहाँ मैं जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, जैसे कि सम ऑफ ऑल नंबर नंबर.py कंट्रोल एस। तो ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया है और मैं कमेंट आउट दे देता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो हमें क्या करना है, यूज़र अगर इनपुट करता है 1 2 3, तो इसका टोटल हमें सम करना है जो कि है 3 3 6। यूज़र अगर 1 इनपुट करता है, 2 इनपुट करता है, 3 इनपुट, मतलब एक ही इनपुट में 3 इनपुट करेगा, टोटल इसको 6 मिलना चाहिए। तो ऐसा हमें यूज़र 3 ही तक नहीं, वो यूज़र के ऊपर है कि वो कितना इनपुट कर रहा है, उसके हिसाब से हमें पूरा टोटल करके उसको देना है। तो सिंपली पहले मैं आपको बता दूँ कि सम ऑफ 2 नंबर के लिए हमें क्या करना होता है। सम ऑफ 2 नंबर के लिए हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें कि एक वेरिएबल में ये रहेगा, दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू रहेगा, और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। तो ये सम ऑफ 2 नंबर 2 2 4 इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अभी हमें सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि यूज़र कितना भी इनपुट करे वो लिमिट नहीं है, और हमें उसको टोटल निकाल के देना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू इनपुट, इंटर योर नंबर्स, इंटर योर नंबर देन स्प्लिट। स्प्लिट करता क्या है, स्प्लिट हमें जो भी इनपुट है उसको सेपरेटर के थ्रू उसको अलग अलग डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ स्पेस डाल रहा हूँ, तो अगर यूज़र जितना भी नंबर इनपुट करता है और उसके बीच में अगर वो स्पेस छोड़ता है, तो इस स्पेस के हिसाब से वो हर एक आइटम अलग अलग हो जाएगा, एक लिस्ट के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, जो जिसे हम इसे ऑल नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो हमें एक अभी लिस्ट मिली है, यूज़र इनपुट जो किया था, यूज़र ने जो भी इनपुट किया है उसकी हमें अभी लिस्ट मिल गई। अभी हम इस पर लूप चलाएंगे ताकि हर एक एलिमेंट को हम स्टोर कर पाए। सबसे पहले तो हमें एक सम वेरिएबल नाम देना होगा, टोटल इज इक्वल टू 0। टोटल इज इक्वल टू 0 यानी कि पूरा सम ऑफ नंबर इस वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है। अभी हम इसमें लूप चलाएंगे, फॉर आइटम इन ऑल नंबर देन टोटल प्लस इज इक्वल टू आइटम, और इसको मुझे इंट में चेंज करना होगा। हर एक जो भी ऑल नंबर वाली लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है, वो एक लिस्ट, उसका जो डेटा टाइप है वो लिस्ट अपना स्ट्रिंग है, उसे मुझे इंट इंटीजर में चेंज करना होगा, तभी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन में उस पर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ चेंज किया, देन मैं यहाँ कर दूंगा प्लस इज इक्वल टू, देन यहाँ बस मैं लिखूंगा प्रिंट, मैं यहाँ सम ऑफ ऑल नंबर लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू द टोटल। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैं आपको पहले ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये तो पहले वाले लॉजिक है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें इस वाले पे ध्यान देना है। तो मैंने तो सबसे पहले एक इनपुट बनाया, जिससे कि यूज़र वहाँ इनपुट करेगा कितना भी नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, स्पेस के थ्रू वो अलग अलग लिस्ट में डिवाइड हो जाएगा, लिस्ट के अंदर, यानी कि अगर यूज़र इनपुट करता है एक दो इनपुट करता है, तो हमें मिलेगा क्या, तो इस तरह सेपरेट होके एक लिस्ट हमें, अगर यूज़र इनपुट करता है 1 और 2, तो कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। और उसका टोटल मैंने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हम इस आइटम्स का टोटल
इसके अंदर स्टोर रखेंगे। और मैंने फॉर लूप चलाया ताकि हर एक आइटम को मैं ऐड कर पाऊँ अपने टोटल वाले वेरिएबल में, और उसको मैंने इंट में चेंज किया क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए मैंने उसे पहले इंट में चेंज किया, देन उसके बाद मैंने ऐड किया टोटल वाले में। प्लस इज इक्वल टू मतलब क्या है, प्लस इज इक्वल टू मतलब टोटल में जो भी वैल्यू है वो, और प्लस इस आइटम की वैल्यू, देन मैं फाइनल में लास्ट में प्रिंट कर दिया जो भी लास्ट में रिजल्ट आया, मतलब लूप ख़त्म होने के बाद जो भी रिजल्ट आया मैंने वो यहाँ प्रिंट कर दिया। अभी हम चलो इसको रन करते हैं, उसको मैं रन करूँगा, नीचे मुझे इनपुट दिखाई देगा कि इंटर योर नंबर्स। मैं एक और दो लिखता हूँ, इंटर मारता हूँ तो आपको मिलेगा सम ऑफ ऑल नंबर 3। मैं इस फाइल को वापस रन करूँगा। अगर यूज़र बहुत सारा इनपुट करता है, यानी कि समझ लो दो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस सेपरेट बाय, मतलब हर एक नंबर के बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर एक और नंबर यूज़र इनपुट कर रहा है तो उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, तभी वो सेपरेट होके एक लिस्ट बनेगा, लिस्ट से वो इंट में जाके टोटल में ऐड होएगा। तो सम ऑफ इतने नंबर का 57 है, आप कैलकुलेट करके देख लेना ये सही है कि नहीं। तो इस तरह सम ऑफ ऑल नंबर का लॉजिक हम अपने पाइथन में कर सकते हैं। लॉजिक हर जगह सेम होता है, चाहे आप C++, जावा, C#, किसी में भी करो, किसी भी में ये लॉजिक इस्तेमाल करो, बस सिंटैक्स का फ़र्क होता है, बाकी लॉजिक हर जगह सेम होता है। तो ये था सम ऑफ ऑल नंबर पाइथन में कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।